एम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 4 मई को हुए अनिल दुजाना एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कोलार में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो एनकाउंटर के खिलाफ थे और रहेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरीके से अब्बास, अतीक, अशरफ को गोली मारी, आज मैं कह रहा हूँ कि अनिल दुजाना को भी गोली मारना गलत है। एनकाउंटर से कानून का शासन कमजोर होता है, लोगों का संविधान में विश्वास कम होता है। सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। उनको मगर हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, दलितों के साथ थे, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ थे। अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको अब मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जहां यहां पर आप तमाम लोग आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस बात को, नौजवानों से मेरी अपील है, चाहे वो हमारे बेटे हो या बेटियां हो, आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुझसे ज्यादा समझते हैं, आप मेरी इस बात को पूरे व्हाट्सएप में, इंटरनेट में शेयर करिए। इसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, इसमें कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन डीके और मोदी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या ये आपका सेकुलरिज्म है? मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के वजीर आजम से, आपकी जबान पर तो जय हिंद का नारा आना चाहिए था, आपकी जबान पर जय हिंद का नारा आना चाहिए था। मगर खैर, मोदी जी एक ही रंग में बात करते हैं। वो भारत एक रंगीन मुल्क है, वो रंगीन को नहीं मानते, सिर्फ एक रंग को मानते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्नाटका और भारत एक रंगीन और खूबसूरत प्रदेश और मुल्क है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना और अनिल नागर को मेरठ में एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। जेएसआर यहाँ होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, इसके चलते उसकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच इनपुट मिला कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गैंगस्टर अपने गुर्गों से मिलने मेरठ में जा रहा है। इस पर एसटीएफ ने घेराबंदी की। एसटीएफ को देखते ही गैंगस्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। उसने करीब 15 राउंड फायर किए। एसटीएफ की तरफ से 6 राउंड जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमे वो मारा गया। दुजाना पर दिल्ली और यूपी में 60 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।